शादी के तुरंत बाद हर दंपति की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन साथी के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करें। इसके लिए यह जरूरी है कि तुरंत उसे गर्भधारण न हो, वह पहले अपने साथी को अच्छे से पहचाने, जाने, समझे। परंतु अक्सर शर्म एवं संकोच से उसे परिवार नियोजन संबंधी जानकारी नहीं होती। ऐसा अक्सर देखा गया है कि समाज और परिवार का भी दबाव रहता है कि आप विवाह के प्रथम वर्ष के अंदर ही बच्चा पैदा करें। इससे तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, आप पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाएगा। अगर आप 21 वर्ष से कम उम्र में गर्भ धारण करती हैं तो ये आपके शरीर पर और आपके बच्चे दोनों के शरीर पर बुरा प्रभाव डालेंगे। और अगर आप कमज़ोर होंगी तो आप अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी भी गर्भ धारण करें तो 21 वर्ष से अधिक आपकी आयु हो। आप अपने बच्चे का जन्म तब तक टालें जब तक कि आप शारीरिक रूप से परिपक्व न हो जाएं, जब तक कि आप आर्थिक रूप से मजबूत न हो जाएं और आप उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। तो यह ज़रूरी है कि सही समय पर गर्भ धारण हो। इसके और भी फायदे हैं, सामाजिक फायदे हैं, आर्थिक फायदे हैं और आप मातृत्व का सुख अच्छे से उठा पाएंगे। आपके लिए दो उपाय उपलब्ध हैं, एक तो गर्भ निरोधक गोली जो कि सभी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा आप किराने की दुकान पर या किसी नज़दीकी दवा की दुकान पर भी इसे बहुत ही कम मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विकल्प कंडोम है जो कि आपके पति इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है एवं आप पास के किराने की दुकान पर या दवा की दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल संकोच न करें, आप जाइए और अपने नज़दीकी आशा बहन, ANM से या उज्ज्वल साथी से विचार विमर्श करें और एक परिवार नियोजन की विधि को चुनें। विश्व के लाखों करोड़ों दंपति परिवार नियोजन की विधि अपनाकर अपना जीवन खुशहाल बनाए हैं। आइए आप भी जल्दी से एक निर्णय लें कि आप एक विधि को चुनें, अपने पति से सलाह मशवरा करें और अपने परिवार को सुखमय बनाएं। शादी के बाद परिवार नियोजन सलाह चाहते हैं? बेझिझक कॉल करें उज्ज्वल हेल्पलाइन पर 1800-11-21-21। याद रहे 1800-11-21-21।